दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला जो है वो 24 फरवरी को खेला गया और बेहद ही रोमांचक इस टी20 मुकाबले में इंडिया की जो टीम है उसको 3 विकेट से यहां पर हार का सामना जो है वो करना पड़ा। अब हम बात करेंगे दूसरे टी20 की जो कि 27 फरवरी को शाम 7 बजे से बेंगलुरु में खेला जाना है। तो ऐसे में भारतीय टीम में जो है वो कई बड़े बदलाव हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं बदलावों के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो आप भी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों बात करें पहले बदलावों की, तो भारतीय टीम में कुल 3 बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला बदलाव है शिखर धवन की, यहां पर वापसी हो सकती है। तो ऐसे में केएल राहुल जो है वो नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं विजय शंकर की भी वापसी होगी, जिनकी जगह ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक में से किसी एक को बाहर बैठना होगा। तो वहीं बात करें बॉलिंग में, तो बॉलिंग में यहाँ पर उमेश यादव को बाहर बैठना होगा और उनकी जगह सिद्धार्थ कौल की वापसी हो सकती है। तो दोस्तों बात करें प्लेइंग 11 की, तो वो कुछ इस प्रकार से रह सकती है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, एमएस धोनी, ऋषभ पंत, विजय शंकर, कृणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह, यूजी चहल और सिद्धार्थ कौल। दोस्तों ये तो थी इंडिया की प्लेइंग 11। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में यहाँ पर कोई भी बदलाव जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 बिल्कुल पहले टी20 के जैसी ही होगी। तो दोस्तों ये थी इस प्रकार दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 जो है हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।